सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। आज मैं जनरल साइंस की अगेन एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और आई थिंक आप सबको थंबनेल से थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि आज हम कुछ ग्रीनरी से रिलेटेड इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जब कभी भी अगर हम ग्रीनरी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले जो वर्ड्स आते हैं वो या तो प्लांट है या फिर ट्री या फॉरेस्ट, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं। तो आज मैं कुछ ऐसा ही आपको पढ़ाने वाली हूँ कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस टाइप से उनकी सर्वाइविंग होती है, मतलब सारी चीज़ें प्लांट से रिलेटेड और उनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे अभी तक के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार आए हुए हैं और आगे भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपको किसी भी पॉइंट पर लगता है कि ये वीडियो अच्छी है, इसे शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ सोचिएगा मत और लाइक शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, जनरल साइंस मीन्स सामान्य विज्ञान। तो अब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि जनरल साइंस इतना टफ टॉपिक है नहीं जितना हम सोचते हैं, क्योंकि हमने उस चीज उसके बेसिक्स नहीं पढ़े होते, फैक्ट्स के साथ नहीं पढ़ते, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। बट आई होप आपको आज वाली वीडियो बहुत ही ईजी लगे और समझ में आए। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछेगा। नाउ प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स हमारी बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बॉटनी में आते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। बॉटनी मतलब जैसे बायोलॉजी है, अगर साइंस की बात करते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इसी तरीके से जो बायो है वो भी अंदर जाके बहुत डीप में डिवाइड होती है अलग अलग सेपरेट सेपरेट पार्ट्स में। तो उसी का एक पार्ट है बॉटनी, जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं कि किस टाइप से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या ये रोल प्ले करते हैं। तो एज वी ऑल नो कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में और हमारी अर्थ पे। तब आप सबको बताएं कि अर्थ पे जो लाइफ है वो पॉसिबल है, तो उसमें एक वजह प्लांट्स भी हैं जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। तो प्लांट्स सिर्फ ये नहीं है कि प्लांट हमारे लिए सिर्फ ऑक्सीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लाइक दे प्रोवाइड अस फूड, फ्यूल, फाइबर्स, मेडिसिन, शेल्टर्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट्स हैं उनसे हमें फूड मिलता है, मतलब खाने की चीज़ें मिलती हैं, भोजन मिलता है, फ्यूल मिलता है, उसके अलावा फाइबर्स, मेडिसिन, बहुत बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि हम आयुर्वेद में देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिली है? प्लांट से। अब प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ट्रीज हैं, तो ये हमारे लिए इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये डायग्राम है प्लांट का, इसमें देखिए मैंने प्लांट, इसमें यहाँ पे सनलाइट है, ये फ्लावर है, ये कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने डिवाइड करे हुए हैं और लेबल किए हुए हैं। लीफ है, फ्रूट है, स्टेम है एंड रूट है। तो अब इसमें देखिए फ्लावर जो है ये सबसे पहला जो इनका पॉइंट बनता है इस पे क्वेश्चन कि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है स्वपोषी एंड हेटरोट्रॉफ्स का मतलब होता है विषमपोषी। स्वपोषी और ऑटोट्रॉफ्स इट मींस कि जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो प्लांट्स दे मेक देयर ओन फूड, ठीक है, ये खुद से अपना खाना बनाते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से, उसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसकी हेल्प से प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं और वही फूड हमें प्रोवाइड भी करते हैं, मीन्स कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो क्वेश्चंस मैंने इसमें लिखे हुए हैं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मैं बोलूंगी, डिक्टेट करूंगी, तो प्लीज आप अपनी पेंसिल पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप उनको नोट कर सकें और बाद में आप उसे लर्न कर सकें। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, और अपना खाना खुद से बनाते हैं, हिंदी में इनको स्वपोषी कहते हैं। अब जिस प्रोसेस के थ्रू ये खाना बनाते हैं इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। तो इसके लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं जो प्लांट्स को के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसमें फर्स्ट आता है सनलाइट, जो हमें सन से लाइट मिलती है, सूर्य ऊर्जा वो। सेकेंड है वाटर, वाटर मीन्स कि पानी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। थर्ड वन इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये। एंड नेक्स्ट वन इज क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स की लीव्स में होता है।
क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल के बाद में नेक्स्ट आता है मिनरल्स। तो ये कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, इसमें एक्चुअल में होता क्या है? तो जो लाइट एनर्जी है, जो सन से लाइट एनर्जी मिल रही है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मीन्स की जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो इक्वेशन टेक प्लेस करती है वो इक्वेशन ये है, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स C6H12O6 प्लस में O2 प्लस में H2O। अब यहाँ पे देखिए CO2 इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, इधर C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए C6H12O6 कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नेक्स्ट है O2 ऑक्सीजन एंड लास्ट वन इज H2O वाटर। अब इस पे जो हमारी रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन दे रखी है इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, तो इसमें आपको दो तीन क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, गैस यूज कौन सी होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यूज इस साइड वाला जो ये प्रोसेस दे रखा है ये यूज है, तो इसमें कौन सी गैस दे रखी है? CO2। मीन्स की जब गैस यूज पूछा जाए तो उसका आंसर होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है गैस रिलीज कौन सी होती है, तो ये आपका रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। अब प्रोडक्ट साइड पे देखिए गैस रिलीज कौन सी दे रखी है, O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट दे रखा है फूड स्टोर, मीन्स की जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण की जो ये अभिक्रिया है इसमें फूड स्टोर क्या कहाँ होता है या किस फॉर्म में होता है? तो फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। और फूड प्रिपेयर्ड किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। अब ये जो प्रोसेस था प्लांट में फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है, उसमें क्या रॉ मटेरियल्स है, ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने इसमें डिस्कस किए। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पे पेपर्स में आए हुए हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स। वो कौन सा पिगमेंट या वो क्या है जो लाइट सनलाइट है वो प्लांट्स में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? आंसर है क्लोरोफिल। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट की लीव्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? तो उसका आंसर है मैग्नीशियम Mg, और इसका एटॉमिक नंबर 12 है। इसके अलावा मैं जब पीरियोडिक टेबल के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी तो आपको जो मेटल्स के नॉन मेटल्स के किसका क्या एटॉमिक नंबर है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आप प्लीज उस वीडियो को भी देखिएगा, बट अभी इसमें समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है उसमें स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? थायलाकॉइड। इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि ये कहाँ पे होता है, ये थायलाकॉइड जो वर्ड मैंने बोला हुआ है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का पिगमेंट जो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट जो कि लीव्स में होता है, तो वहां पे ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन रेड एंड ब्लू लाइट। जब आप 9th और 10th में आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखा होगा तो उसमें जब हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, हमारी NCERT में ना बहुत सारी एक्टिविटीज दे रखी होती हैं, तो अगर इस लीव वाले पोर्शन के लिए अगर आपने एक्टिविटी करी और आपको याद हो तो उसमें हम आयोडीन टेस्ट करते हैं लीव को लेके, और उसमें कभी भी जब आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या फिर लैब में हमें इसको टेस्ट करना पड़ता है, फोटोसिंथेसिस को के प्रोसेस को दिखाना पड़ता है, तो बेसिकली हम रेड या फिर ब्लू कलर की लाइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइन मोर और लेस बाय, जो एज है कि ट्री की एज कितनी है, कितनी ज्यादा ओल्ड एज है, कितना अभी ये यंग है, तो वो किस तरीके से डिफाइन होता है या किस तरीके से हमें पता चलता है? तो उसमें जो ट्रंक मीन्स की जो पेड़ का जो तना होता है उसमें हम नंबर ऑफ रिंग्स काउंट करके, जैसे कि किसी अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमें कैसे पता चलता है एज ज्यादा है? हम रिंकल्स देखते हैं फेस पे, हाथों पे, कहीं पे भी रिंकल्स आने लग जाते हैं बॉडी में, तो क्या होता है कि लगता है कि हाँ ओल्ड एज आने लग गई है। तो इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, बेसिकली प्लांट में तो नहीं होगा बट ट्रीज जो होते हैं उनके जो ट्रंक है तने पे जब रिंग्स बनने लग जाती हैं, जितनी ज्यादा रिंग्स उन पे बनती है वो बताती है कि ये ट्री इतना ज्यादा एज में है और इतना कम है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट टिश्यू,
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लांट टिश्यू का मतलब क्या होता है? देखिए, टिश्यू का मतलब होता है उत्तक, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो सेल्स मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं। ऐसे हमारी ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे टिश्यू होते हैं, से प्लांट्स में भी टिश्यू होते हैं। अब इसमें देखिए, प्लांट्स में क्या होती है? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। नाउ प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज मेरिस्टमेटिक एंड सेकेंड वन इज परमानेंट। जो ये हमारे दोनों टाइप्स है प्लांट टिश्यू के, पादप उत्तक के, इसमें इसका मतलब है मेरिस्टमिक, हिंदी में इसको विभज्योतकी कहते हैं, एंड परमानेंट को स्थायी उत्तक कहते हैं। अब ये जो दोनों पार्ट्स हमें दे रखे हैं, इसमें जो सेकंड वाला है परमानेंट, मीन्स की जो स्थायी उत्तक है, वो भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है सिंपल उत्तक एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स, सरल उत्तक एंड जटिल उत्तक। ये आपका नाइन्थ का पोर्शन है, नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा ये तीनों टाइप्स, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्कैरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स जटिल उत्तक की बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज अच्छे से समझिएगा, और अगर कोई आपको डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बोलिएगा। नाउ द जाइलम एंड फ्लोएम। अब क्वेश्चन ये आता है कि जाइलम एंड फ्लोएम, इनको हिंदी में भी जाइलम एंड फ्लोएम ही बोलते हैं, तो ये किस तरीके से प्लांट में क्या रोल प्ले करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इनकी? तो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं ऑफ द मटेरियल थ्रू आउट द प्लांट्स। जाइलम का अलग फंक्शन है, फ्लोएम का अलग फंक्शन है। जाइलम का देखिए, फर्स्ट है जाइलम हमेशा ट्रांसपोर्ट वाटर एंड सॉल्युबल मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम क्या करता है? वाटर और जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको रूट से उठा के, जो रूट में मिनरल्स होते हैं सॉइल में, उन सबको लेकर प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाता है। कौन? जाइलम। सेकेंड है फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम होता है? ये फूड को कैरी करता है, और इसमें जहाँ पे जाइलम है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाता है, तो ये लीव से, क्योंकि लीव्स जो होती हैं प्लांट में, फूड फैक्ट्री होती है, वहीं पे उन खाना बनता है। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? लीव से प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में फूड को कैरी करना और सुक्रोज को पहुंचाना। ये दोनों फंक्शंस है जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ टिश्यू। जब उत्तक की स्टडी करते हैं या टिश्यू की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब ये तो हो गया कि प्लांट में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके का कौन क्या फंक्शन रोल करता है, टिश्यूज एंड ऑल। अब इसके अलावा जो हमने ये अभी तक जितने भी चीजें पढ़ी, ये सब प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ये सब जो चीजें हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो बाहर से चीजें मिल रही हैं, ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, मीन्स की जो प्लांट के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं, वो किस तरीके से प्लांट में हेल्पफुल होते हैं, उन सबका क्या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, अब हम वो पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन्स की अगर बात करते हैं तो मेनली हमारे पास फाइव प्लांट हार्मोन्स होते हैं, वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका इथाइलीन। फर्स्ट प्लांट हार्मोन है इथाइलीन। इथाइलीन का क्या काम होता है? हेल्प्स रिपन फ्रूट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एब्सिशन। अब इसका मतलब देखिए, जब कभी भी आपने सुना भी होगा कि जो कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हम जैसे सिटी एरिया में रहते हैं वहां पे क्या होता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टाइम से पहले ही हमें मिल जाते हैं, और वहीं अगर आप गांव साइड में जाते हैं तो एक टाइम होता है उनका, उस टाइम पे आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? रात रात में ही फ्रूट है या कोई भी वेजिटेबल है वो पक जाती है और मॉर्निंग में वो सेल के लिए आ जाती है। तो ये जो चीजें होती हैं ये इथाइलीन हार्मोन के लिए होती हैं। प्लांट में ये नेचुरली प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फूड जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो इनको पकने में हेल्प करता है। इसके अलावा जब कभी भी कोई भी फ्रूट है या वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं या फिर लीव्स हैं, जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, ये जब पूरी तरीके से पक जाते हैं तो ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। लीव्स भी अपने आप प्लांट से डिस्टैच्ड होकर गिर जाती हैं, फ्रूट्स भी अपने आप पकने के बाद गिर जाते हैं। तो ये सब कुछ जो प्लांट में होता है, जो नेचुरली होता है, वो इथाइलीन की वजह से होता है। अब ये तो था कि नेचुरली हो गया, बट कई बार ऐसा होता है कि जो फार्मर्स हैं वो इसको यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन को ज्यादा करने के लिए, कि जल्दी से पक जाए और जल्दी से मार्केट में जाए। और तो उस टाइम पे ये इम्पॉर्टेंट कैसे हो जाता है उनके लिए? इथाइलीन गैस की फॉर्म में ये उसका यूज करते हैं।
तो उससे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एक फ्रूट अगर खराब है तो उसे खराब फ्रूट को अगर आप पूरी बास्केट में जो अच्छे हेल्दी फ्रूट्स हैं उनमें रख देंगे तो वो सारे फ्रूट्स भी खराब हो जाएंगे। वजह यही होगी कि जो उसमें इथाइलिन गैस है वो एक गैस की फॉर्म है और गैस के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं तो उसकी वजह से उस पर इफेक्ट आ जाता है। ये नेचुरली अगर होता है तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है, अच्छा है, बट फार्मर्स या फिर कुछ लोग इसको गलत वे में यूज करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। सेकेंड हॉर्मोन इज गिबरेलिंस। गिबरेलिंस का मतलब ये किस में यूज होता है, प्रमोट ग्रोथ, जो प्लांट में ग्रोथ मीन्स कि हमने सीड डाल दिया उसके बाद में हमने धीरे धीरे उसमें पानी हुआ और जो भी चीजें हम प्लांट की केयर करते हैं उसके बाद में वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है तो जो उसमें ग्रोथ होती है वो इस हार्मोन की वजह से होती है, गिबरेलिंस। अब इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये कम लेवल पे होता है तो वो प्लांट्स की हाइट छोटी रह जाती है, ग्रोथ कम हो पाती है। कुछ में अच्छे तरीके से अच्छा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो प्लांट्स काफी ज्यादा टॉल हो जाते हैं। नेक्स्ट हार्मोन इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मतलब होता है ये जो हार्मोन है ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। अब सेल डिवीजन को प्रमोट करने का मतलब है कि जैसे प्लांट्स की ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट हो जाती हैं या फिर फ्रूट्स हैं उनमें डिवीजन आ जाती है तो जब हम सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं उसके लिए साइटोकाइनिन का यूज करते हैं। अगर लैब में अगर देखिए साइटोकाइनिन जो हार्मोन है इसको यूज किया जाता है आर्टिफिशियल फ्रूट्स बनाने के लिए, इसका बेसिकली यूज आया था। नेक्स्ट दो हॉर्मोन्स है एप्सिक हॉर्मोन और ऑक्सिन हॉर्मोन। ये दोनों जो हॉर्मोन है, ये फोर्थ हॉर्मोन जो है एप्सिसिक, इसे हम स्ट्रेस हॉर्मोन भी कहते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है कि प्लांट का जो स्ट्रेस हॉर्मोन है उसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑक्सिन हॉर्मोन। ऑक्सिन हॉर्मोन जो है ये स्टेम टिप जो होती है उसको ग्रो करवाने में हेल्पफुल होता है। तो ये कुछ प्लांट्स पे क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज प्लीज इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। एंड जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी इसी तरीके से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आएगी। अगर आपको कोई और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको समझने में प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच।